हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए अरबी की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी लेके आई हूँ। इसकी सब्जी बनाना इतना आसान है ना, आज ना मैं गरम मसाला और ना ही सरसों मसाला में बताऊँगी। बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है, तो चलिए देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। इसके लिए ना मैं आधा किलो के लगभग अरबी ली हूँ, और ये अरबी को ना अच्छे से छील लेंगे। इसको छीलने में थोड़ा सा दिक्कत आता है क्योंकि एकदम टेढ़े मेढ़े से रहते हैं, लेकिन इसको अच्छे से पील कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से सारी अरबी को बहुत अच्छे से छील लेंगे। क्या होता है ना कि छीलने में ना ये बहुत ज़्यादा हाथ खुजलाता है, तो आप सरसों का तेल लगा के फिर अच्छे से छीलिएगा इसको। और ये देखिए, छील के मैं इसको कट करके अच्छे से धो ली हूँ 2 से 3 बार। और अब गैस पे मैं कढ़ाई रखी हूँ, और कढ़ाई में ये मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, सरसों का तेल। और जैसे ये गर्म हो जाएगा, जितना अरबी हम कट करके रखे थे ना, सारे को इसमें डाल देंगे। और इसको ना आप बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक बहुत अच्छे से भूनना है, एकदम एक क्रिस्पी बन जाए तब तक इसको अच्छे से भूनेंगे। और जब तक ये भून रहा है, तब तक इसके लिए मसाले रेडी कर रही हूँ। इसमें मैं 15 से 20 लहसुन की कली है और 4 हरी मिर्च, इसको ना दरदरा सा पीस के रेडी करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से बहुत चिकना नहीं की हूँ मैं, दरदरा सा है ये। और एक बार चेक कर लेते हैं ये कितना पका है हमारा ये अरबी। इसको थोड़ा सा जल्दी पकाने के लिए ना इसमें क्या करेंगे, आधा चम्मच नमक डाल देंगे, थोड़ा जल्दी से पक जाए। और इसमें कलर आने के लिए हल्दी, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दिखे और कलरफुल दिखे एकदम। इसमें हल्दी डालने से ना ये बहुत अच्छे से कोट हो जाएंगे हल्दी से, और कलर बहुत अच्छे आएंगे। और अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट पहले भून लेंगे, उसके बाद लीड लगा के इसको कवर कर देंगे। और बस 5 मिनट के बाद देखते हैं इसको। ये देखिए, बहुत अच्छा कलर भी आ गया है और एकदम क्रिस्पी हो गया है एकदम हमारा ये जो ये है ना अरबी। ये देखिए, पास से दिखा रही हूँ मैं आपको, बहुत ही अच्छे से पूरा गोल्डन ब्राउन हो गया। और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। आपने इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसमें नमक हल्दी डला हुआ है ना, बहुत टेस्टी लगता है। अब उसी ऑयल में मैं थोड़ा सा जीरा आधा चम्मच और आधा चम्मच राई डाली हूँ। और जैसे ही चटक जाएगा, तो उसके बाद इसमें ये जो मिर्ची और लहसुन का जो पेस्ट बनाए थे ना, इसको ऐड कर देंगे। और इसको बिल्कुल गैस का फ्लेम लो रखेंगे, और ग्राइंडर जार को धोने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि ना लहसुन बहुत जल्दी चिपकने लगता है, तो इसलिए पानी डालेंगे, जिससे कि अच्छे से भुन भी जाए और नीचे में चिपके भी नहीं। अब इसमें आधा चम्मच मैं हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी मैं अरबी में भी डाली थी, इसलिए इसमें आधा चम्मच से कम ही डाली हूँ। और इसको भी 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। और इधर मैं टमाटर भी साथ में कट कर रही हूँ। इसमें टमाटर बहुत ज़्यादा डलता है, तभी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। इसमें बहुत सारे मसाले ऐड नहीं होते, सिर्फ एकदम थोड़ा से मसाले में बन के रेडी होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा चटपटा बनता है ना कि जब तक आप बनाएंगे ही, तब तक आपको समझ भी नहीं आएगा। और बस इसमें ना आधा चम्मच आप नमक डाल दीजिए, और अच्छे से मिक्स करके लिड लगा के कवर कर दीजिए। और 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि टमाटर बहुत अच्छे से पक चुका है। और आप इसको क्या कीजिए, इसको दबाते जाइए स्पैचुला से, तो टमाटर बहुत अच्छे से पक चुका है, और ये देखिए बहुत अच्छे से मैश हो गया पूरा। और अब क्या करेंगे कि अरबी को जो भून के रखे थे, इसमें मिक्स कर देंगे। और उसके बाद इसको 1 से 2 मिनट तक ऐसे बिना ढके इसको अच्छे से पकाएंगे। और मैं कट करके दिखा रही हूँ, ये देखिए बहुत अच्छे से पक चुका है अरबी हमारा। और बस ये देख सकते हैं, आपके पैन में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, मतलब हमारा ना ये मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। अब इसमें आप पानी डाल दीजिए, आपको जितनी इसकी थिकनेस रखनी हो उस हिसाब से। ये बहुत ही आसान सा रेसिपी है और बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है। और बस को कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए पकने देते हैं। और ये देखिए, 7 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत अच्छे से पक चुका है। और इसमें ना मैं धनिया की पत्ती डाल रही हूँ ऊपर से गार्निश करने के लिए, टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, जितना मेरे को चाहिए था ना, मतलब गाढ़ा, बस उतना ये बन के रेडी हो गया है, एकदम परफेक्ट है। और मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। एक बार आप ज़रूर बनाइएगा, गरम मसाले में बनाए हैं और सरसों मसाले में आप उसमें भी बनाए होंगे, लेकिन ना आप इस तरीके से अगर नहीं बनाए होंगे तो बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इसके साथ चावल, रोटी, पूड़ी, पराठा कुछ भी खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।